अभी ऐसे हे फैमिली, वेलकम बैक टू श्वेताचंद ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब कोई सही होंगे। और आज बन रहा है हमारे घर पिरकिया, तो मैं बैठी हुई हूँ पिरकिया बनाने के लिए। और आजकल तीज चलने वाला है, कल तीज होने वाला है और आज है नहा खा। तो हमारा तो हो गया है नहा खा और अभी हम बैठ के बना रहे हैं पिरकिया, ये देखिए। और कल है तीज, फास्टिंग है, तो ये सब अभी रेडी किया हुआ है। सूजी है, नारियल है, अभी बहुत सारा बनेगा, बेसन वाला और भी खोआ वाला, तो अभी यही बन रहा है पिरकिया। कल है तीज, तीज के लिए बहुत सारा तैयारी हो चुका है, कुछ तैयारी बाकी है जो कि मार्केट जाना है। और कौन कौन सा क्या साड़ी पहनने वाली हूँ वो सब ब्लॉग में आप लोग को पता चल जाएगा। फिलहाल बना रहे हैं हम पिरकिया और बाबू पीछे से आ रहा है और डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पे बन रहा है पिरकिया, तैयार हो रहा है, ये थोड़ी देर में लाल हो जाएगा और बन जाएगा। अभी थोड़ा बनने में टाइम लगेगा, तब पकाना बाकी है। यहाँ इतना सारा पिरकिया, तो इसको जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। और बारिश भी बहुत तेज हो रहा है और इस तरह से मतलब मौसम हो जाए ना, बारिश भी बहुत तेज हो रही है और इस तरह से मौसम हो जाए ना, तो कल के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कल गर्मी नहीं हो तो काफ़ी अच्छा है। तो अभी तो ऐसा देख के लग रहा है कि बारिश इतनी अच्छी हो रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि मौसम सही रहेगा आई थिंक। और मौसम का तो कोई पता होता नहीं है कि क्या होगा, बट अभी बारिश बहुत अच्छी हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो गया, कल देखते हैं कि क्या होता है। तो चलते जल्दी से बना लेते प्रक्रिया, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि मेहंदी लग रहा है और मेहंदी बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। कलर भी बहुत अच्छा आ गया था, जबकि काफ़ी देर तक रखा भी नहीं था, तो बहुत सुंदर कलर आ गया था। यहाँ पे मेहंदी बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाती हैं, ये देख ही सकते हैं। और आप लोग को ब्लॉग में भी दिख जाएगा और शॉर्ट्स में भी दिख जाएगा कि बहुत सुंदर कलर आया था, बहुत सुंदर डिज़ाइन भी है। तो अभी मैं जाऊंगी तुरंत, मतलब 1 घंटे के बाद ना मंदिर भी जाना था, तो जल्दी जल्दी वॉश भी करना पड़ गया, फिर भी कलर अच्छा से आ गया था। तो अभी आप लोग को ब्लॉग में दिखेगा कि मंदिर भी मैं पहुँच गई। तीज की तैयारी अब हो गई है कंप्लीट और मेरे हाथ में भी मेहंदी रख गई है,
और ये कलर भी आना भी बाकी है, अभी येलो या लेते हैं ब्लैक हो जाता है कपड़े में। तो ये है मेहंदी मेरा सब ओवर इधर और आगे इस साइड में, और अभी दलिया भी तैयार लिया है, दलिया में ये सब रख दिया है इस साइड के, जो कपड़े रखे जाते हैं वो कपड़ा आईना और आलता बिंदी बहुत सारा सामान। ये चूरन है इसके अंदर, ये चूरन है कागज के अंदर, और ये कोई फल है, ये सारा भुट्टा जरूरी होता है एप्पल, और इसमें है पिरथिया जो बनाया हुआ है वो, और यहाँ है तेल पाउडर और ये सब नेल पेंट आलता, और यहाँ है इसमें इसे बंद कर दीजिए, ये है पिरथिया, तो इसमें इस डलिया में इतने सारे सामान लेके रखना होता है, चढ़ाना होता है, और ये कपड़ा है इंडिया, तो ये सारे सामान चढ़ाने के लिए अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, और कुछ देर में रेडी होकर पंडित जी आएंगे और कथा वो सुनाते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, और उसके बाद से पूजा हो जाता है हमारे संपन्न, और मॉर्निंग के समय में हमारा पारण होगा, पारण में मैं क्या बनाऊंगी क्या खाऊंगी वो तो बाद में डिसाइड होगा, अभी एकदम हालत हो जाता है खराब क्योंकि प्यास लगने लगती है, इस टाइम तक काम हो गई है, अब कुछ देर में 1-2 घंटे में पंडित जी भी आ जाएंगे, और हमें तैयारी करके बस रखना है, पंडित जी आएंगे कथा सुनाएंगे और वैसे हमारा पूजा हो जाएगा। तो चलते हैं तैयारी करते हैं, अपन मैं जब खोलने जा रही हूँ रेडी। भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे तृतीयायाम तिथौ उन्नतायाम करते तत् अपन गोत्र अपन नाम रख ले हम तीनों आदमी, अस्मिन समय हड़ताल का तीज वन तथा सर्वन पूजन अहम करिष्य चलाई मम चारुचंद्रम संतुलन प्रसुना प्रसुना परमात्मा का प्रभाव का समाधान जुवांदम विश्वंदम निर्मंद भक्तम से नित्यम भासनाम शिवाय नमः। भेजा हुआ आपके पास आया हूँ।
आप बताइए क्यों कन्यापुर पर भगवान विष्णु के समान ब्रह्मा इंद्र और शिव में से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही निराली तुम भी अपने शक्तियों के साथ वृक्ष ध्यान करने चलते एक ऐसी जगह पर जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय चित्र एक सिकंदरा के दिनों सिकंदरा में आश्रम बना आश्रम बना दिया और मेरी बालिका में पुतला बनाकर अपने शक्तियों के साथ मेरा हाथ रह करके भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त प्रतिज्ञा प्रति प्राप्त हुई। उसने विधिवत मेरा पूजन किया राजभवन त्याग करके हमारे आश्रम के पहुँचते ही बिगिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तटपर से कन्याओं को घूमते हुए देखा, देखते ही उन्होंने छाती से लगा दिया और बिलक कर रोने लगे। फिर पूछा पहुंची पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था, आपने मेरी बात को टाल दी। इस समय यहाँ चली आई हिमालय संस्था बना दी, मैं तुम्हारी इच्छा को कुछ भी न करूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले आऊंगा, इसे तुमने मेरा आधार संस्कार किया है। आज पार्वती ने कहा कि तुम अपने नाम को बताया बताइए शिवी पार्वती से कहते हैं कि देवी मैंने समस्त जाति के भलाई के लिए उत्तम प्रताप उत्तर उत्तम पद बतलाया, तो इस प्रेम से सुभाग की रक्षा करने चाहती हो या तो अवर्ष करे। उस ऋतु में जो फल प्रताप फूल मिल सके विशेष रूप से रखे ब्रह्मन को दान दिया और पालन करे पे। तीज पूजा भी हो गया है संपन्न, हमारा तीज व्रत हो गया कंप्लीट, पारण भी अच्छे से हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, प्यारे से ब्लॉग में। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट लाइक और सब्सक्राइब के थ्रू बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।